रूबीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फायर से संबंधित टेस्टिंग की गई, जिसमें अग्निशमन उपकरण का कार्य फिट मिला और वहीं पर कोरोना वायरस से संबंधित सभी प्रकार के उपकरणों को भी ठीक किया गया। वहीं पर 8 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया तथा खांसी जुखाम एवं बुखार जैसी समस्याओं को लेकर जो लोग भी केंद्र पर आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी खामियाजा न भुगतना पड़े। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक अंशुमान तिवारी द्वारा बताया गया है कि सभी को मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है तथा हम सभी से अपील करते हैं कि वह अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमारे कर्मचारी 24 आवर्स स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या से जूझने के लिए हम तत्पर सेवा में हाजिर हैं लोगों के लिए। संवाददाता आरिफ मंसूरी के साथ रफीक रायन की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना में आज एक ट्रायल किया गया है, उसके बारे में क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना में आज ये फायर सर्विस ट्रायल का काम चल रहा था जो कि पूर्ण हुआ है। इसकी ट्रायल की गई तो इसमें करीब 18 के करीब फायर सिलेंडर एवं फायर सिस्टम लगाया गया और इसी का ट्रायल किया गया। सर, कोविड के लिए भी कोई सूचना दी गई है? तैयारी कैसी क्या है? शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में कोविड के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बबीना के मास्क पहनना अनिवार्य कराया गया एवं जो खांसी जुकाम बुखार के मरीज आ रहे हैं उनके कोविड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। 8 बेड का कोविड वार्ड आरक्षित किया गया है। फिर से जो मशीनें कोविड में यूज होती थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह या पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको मेरे निर्देशन में फार्मासिस्टों के द्वारा चेक करके फिर से सब मशीन भी दुरुस्त कराई गई। और हमारी तरफ